नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए आपको बताते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें। भारत में वयस्कों और किशोरों के बाद अब 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। नए सिरे से बनाया जा रहा है प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी माता का मंदिर। प्रसाद योजना के तहत इसके लिए 40 करोड़ का बजट जारी किया गया है। नए सिरे से बनाने के दौरान अब मंदिर को 3 मंजिला बनाया जाएगा, लेकिन गर्भगृह पुराना ही रहेगा। पर्यटन विभाग ने भव्य मंदिर का डिजाइन भी तैयार कर लिया है। 25 फरवरी से रीवा मध्य प्रदेश में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लोगों में भगवत भावना को जगाने का करेंगे प्रयास। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नींव के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाएगा और फिर रामलला को नवनिर्मित मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। काशी के काष्ठकला कारीगर काशी विश्वनाथ का हूबहू मॉडल तैयार करने में दिन रात लगे हुए हैं। इस मॉडल के जरिए अब बाबा विश्वनाथ हर घर में नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक पूजन की थाल सामग्री पहले की तरह ही रहेगी। इसमें से पंचामृत और गुलाब की माला हटाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया था। श्रद्धालुओं ने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद इसे पहले की तरह कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी। प्रयागराज में जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में सुनिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। आज से शुरू होने वाली इस कथा में महाराज श्री भगवान राम के बताए मार्गों पर चलने की प्रेरणा देंगे। बनारस स्थित रासेपुर के प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए 19 करोड़ 51 लाख का बजट भी जारी कर दिया गया है। हमेशा श्रद्धालुओं से रोशन रहने वाले महाकाल मंदिर के आसपास का क्षेत्र अब वीरान दिखाई दे रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 75% तक घट गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने एडवांस बुकिंग की सुविधा शुरू की थी। लखनऊ स्थित हनुमान सेतु मंदिर का 55वां स्थापना दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आरती और पूजा अर्चना की गई। केरल के कोलम में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी देवताओं की नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध रचने वाले दुर्योधन के मामा शकुनी की पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां मामा शकुनी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोरोना महामारी और सरकारी गाइडलाइंस के चलते फिलहाल पटना स्थित महावीर मंदिर में आम दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते मंदिर को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि मंदिर से होने वाली आमदनी को महावीर कैंसर संस्थान के साथ साथ कई जन कल्याण के कामों में लगाया जाता है। 31 जनवरी से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शुरू होगी श्री शिव महापुराण कथा। 7 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्या मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों को भगवान शिव की भक्ति से कराएंगी अवगत। बनारस स्थित भूरी धाम मंदिर इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। 207 साल पुराने इस मंदिर में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां इन दिनों लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं। इन सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा इस मंदिर को खास बनाते हैं 8 द्वार और योग साधना से जुड़े मंदिर। अपने अनगिनत शिवलिंगों के लिए खास है बेंगलुरु स्थित कोटी लिंगेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को लेकर ये पौराणिक मान्यता है कि ये वो मंदिर है जहां इंद्र ने गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। सवाई माधोपुर स्थित चौथ माता मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। यहां मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक द्वार बनाया गया है जहां मंदिर में प्रवेश से पहले भक्तों को सैनिटाइज किया जाता है। इस मंदिर को बीते 20 जनवरी को खोल दिया गया था, लेकिन पूजा और प्रसाद सामग्री को अंदर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। नागौर स्थित समर में ग्रामीणों के सहयोग से श्री वीर गोगाजी गौशाला का निर्माण करवाया जा रहा है। इस गौशाला का काफी हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है। यहां सड़कों पर घूम रही गायों को रखा गया और साथ ही उनके खाने पीने और चिकित्सा तक की व्यवस्था भी की जा रही है। 31 जनवरी से श्रीधाम वृंदावन में शुरू होगी गुरु महिमा कथा और 108 गुरु कृपा महायज्ञ। 2 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को कराएंगे भगवत भक्ति से अवगत।
महाशिवरात्रि के मौके पर 1 मार्च को बागेश्वर धाम आश्रम ग्राम गढ़ा छतरपुर में कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर श्री बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में 108 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। 23 फरवरी से बिहार के ग्राम गोगरी जिला खगड़िया में शुरू होने जा रही है श्री राम कथा। 3 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य मुरलीधर जी महाराज लोगों को भगवान श्री राम के मार्गों पर चलने की प्रेरणा देंगे। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें info@sanskargroup.in पर। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।